नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक शानदार वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम आपको मिलाएंगे एक ऐसे किसान भाई से जो अपनी खेती बैलों से करते हैं। और ये देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं ये खेत है, कितने बीघे का होगा जी ये खेत? पाँच बीघे का खेत है। आज आपको किसान बड़े बड़े मिल जाएंगे, लेकिन ये जो जोड़ा देख रहे हो ना, ये कभी हमारे बड़े रखते थे, अभी ये लुप्त हो गया है। ठीक है जी, तो आज किसान भाई से बात करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले अपना नाम और अपने गांव का नाम बताओ। मेरा नाम है जमील। आगे को आ जाओ। अच्छा जमील जी। अच्छा अच्छा अच्छा, जमीन कितनी है आपके पास? 14 बीघे। आपके पास, आपके पिताजी पर कितनी जमीन थी? हमारे पिताजी पर थी 22। 22 बीघे, तो आप पर 14 कम कैसे होगी? अच्छा अकेले हो आप? अच्छा ये भी बढ़िया बात है यार, मुसलमानों में आप अकेले ही थे अपने पिताजी के। अरे वाह, कमाल हो गया। तो अच्छा 6 बीघे जमीन आपने बेच दी थी, चलो कोई बात नहीं। आपके पास 14 बीघे जमीन है। जमील जी आप तझिलड़े से हो? तझिलड़ में ज्यादातर गुज्जर है शायद? हाँ जी, गुज्जर भी, झोजा भी। अच्छा अच्छा अच्छा, जाट भी। जाट कम है, गुज्जर की जनसंख्या से गुज्जर ज्यादा है। ठीक है। अच्छा मैं आप ये बताओ, 14 बीघे वाले तो आपके पास तो 14 बीघे जमीन है बहुत होती है, 4-4 बीघे वाले भी ट्रैक्टर रखते हैं, आपने बैल रखे हैं, इसका थोड़ा सा मुझे बताओ। जी बैलों से लाभ ज्यादा है, ट्रैक्टर से इतनी लाभ नहीं है। ट्रैक्टर तो आधे से ज्यादा तो ये अपना आप ही खा ले। अच्छा जी, बचाई क्या फिर? अच्छा, और जी ये ज्यादा 100-200 रुपए खा गो और ये कमाई ज्यादा दे कर को। अच्छा मतलब आप अपना भी काम करते हो, किराया भी करते हो? अच्छा बहुत बढ़िया जी। अच्छा सारा काम इन्हीं से करते हो, ट्रैक्टर नहीं है? ना जी ना जी, मैं जरूरत ही नहीं समझी। ना जी, गांडे भी नहीं सगेड़ने, एक बहाना भी नहीं सो, गेहूँ भी तक नहीं सो बोलने। अच्छा ये कहाँ से ले गए थे आप? ये जी मैं जटवाड़े से लाया था। जटवाड़े से कौन? नागौर के है? नागौर के तो नहीं है? ना जी लंगौर के। वो परला भेड़ा घर का, वो परला भेड़ा घर का आपका। और ये देसी है? कितने में ले गए थे ये जी? एक बैल हुआ अगर एक यो, ये मैं 40,000 में ले रहा था। 40,000 में? इतने महंगे हो गए? अजी ये 4 साल पहले ले। अच्छा 4 साल पहले 40,000 के? अगर कोई किसान भाई आज लेना चाहे तो कितने का आएगा? 25-30 हजार रुपए का। 30,000? क्यों? उस टाइम महंगा था क्या? उस टाइम महंगा था, जब ये काट्टी पर आरोप नहीं था। अच्छा जब योगी जी की सरकार बनी थी उस टाइम मतलब काट्टी पर आरोप नहीं था, अब हो गया, इसलिए सस्ता हो गया। सस्ता हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, क्योंकि हमारा मकसद है अपने किसानी को, खेती किसानी को बढ़ावा देना। अब ट्रैक्टर ले लेते हैं, एक रुपए का डीजल तो आता नहीं है। अच्छा ट्रैक्टर जहाँ पर उसका वो डीजल गिरेगा वहाँ फसल खराब होगी? जी जहाँ ये मुस्तक या गोबर करेगा वहाँ फसल भी ज्यादा, वहाँ फसल भी ज्यादा होगी। बहुत बढ़िया जी। और जी क्या कह करो? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपके कितने लड़के हैं? अजी 2 लड़के। दो लड़के, वो क्या कर रहे हैं? एक तो जी पढ़ रहा 10वीं में। अच्छा अच्छा। और जी एक उर्दू पढ़ रहा। एक उर्दू पढ़ रहा है, चलो बहुत बढ़िया जी। अच्छा एक दिन में कितना कमा लेते हो इनसे? एक दिन में जी ऐसे काट दूं मैं कोई 14-15 बीघे। 15 बीघे, क्या रेट चल रहा है? 200 रुपए का बीघे का रेट। 200 रुपए, 3,000 रुपए कर दूं। बहुत बढ़िया, सीजन पर? हाँ। अच्छा अब हमें आप ये बताइए इनका खर्चा क्या आ जाता है महीने का? बता दो, इनका तो परमानेंट खर्चा उतना ही आता होगा। महीने का खर्चा जी इनका तुम जो लगा लो के 2,000 रुपए का आ जाए, 2,500 रुपए बस। तो मतलब आपके कहने का मतलब है अपने घर का हवा। अच्छा अच्छा, सीजन में बच जाते हैं 50-60 हजार रुपए। तो इतना ट्रैक्टर वाला कहाँ बचा लेगा फिर? 50-60 हजार रुपए ट्रैक्टर वाला तो नहीं बचा पाएगा। ट्रैक्टर तो जब से आके किसान ले, ये क्या है ना मैं बताता हूँ सर, आजकल क्या है ना, किसी के पास 5 बीघे है और पड़ोसी 50 बीघे वाला, वो ट्रैक्टर लेके आ गया तो आजकल होड़ सी मची हुई है ट्रैक्टर लाने की। ट्रैक्टर लेके आओ, ट्रैक्टर लेके आओ, ठीक है, और वो खड़े रहते हैं, उसका कोई लाभ नहीं होता। चलो बहुत बढ़िया लगा। किसान भाइयों क्या कहना चाहेंगे जो छोटे किसान हैं, आपका तजुर्बा बताइए। जी मेरा तजुर्बा तो ये लगा कि आप बैल ही रख ले तो जब भी फायदा, बैल रख ले तो फायदा है। इनसे मतलब बहुत सारे काम होते हैं, एक तो ये गोबर का। अजी अब तो गेहूं बो रहे। अच्छा अच्छा। और जी फिर ईख बोगे। अच्छा फिर जी धान बोगे, 12-18 चले जाइए। अच्छा अब आप हमें ये बताइए, हम आपको अपने इसमें वीडियो में कॉन्टेक्ट नंबर दे दें आपका? हमारे बहुत सारे किसान भाई जुड़े हुए हैं, आपको मदद ये हो जाएगी अगर किसी को। इन बैलों से आप क्या क्या काम करते हो पहले ये बताओ हमें। मैं तो ये गेहूं की बुआई करूंगी। अच्छा इसको की जुताई करूंगी। अच्छा अच्छा बजी दो दो। अच्छा अगर आपका कॉन्टेक्ट नंबर हम दे दें तो आप जैसे हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर के आस पास के किसान है चले जाओगे? किसान भाई बहुत जुड़े हैं हमसे, ठीक है। कितने रुपए लेते हो एक बीघे में मड़ी मारने के? 200 रुपए। 200 रुपए, और अभी आप गेहूं की बुआई की मशीन बता रहे हो? हाँ जी इसके 200 रुपए जी। हाँ। गेहूं और जी मड़ी मारने। अच्छा अच्छा 200 रुपए बीघा। और ट्रैक्टर वाला क्या लेता है जी? चौधरी साहब ट्रैक्टर वाला क्या लेता है? वो ही ले रहा है, वो भी 200 रुपए ले रहा है, तो इससे बढ़िया है, इससे बढ़िया है जी बिल्कुल।
क्या है ना ट्रैक्टर का किसानों को ज्यादा पता नहीं है, नलकी की बात यह है ट्रैक्टर में वजन होता है कम से कम, कैसे भी ट्रैक्टर 12-14 क्विंटल वजन होता है, उससे क्या है ना जमीन तप्पड़ हो जाती है। 5 साल बाद आपको अगर जमीन वो लगवाना पड़ता है, क्या बोलते हैं उसको, पलटू हल, नहीं लगवाओगे तो जमीन की उपजाऊ कम हो जाएगी। चलो बहुत बढ़िया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक कॉन्टैक्ट नंबर बता दो अगर कोई किसान भाई। 9761 अच्छा 061 अच्छा 400 बहुत बढ़िया जी धन्यवाद। ये देख लो किसान भाइयों, हमने आपको मिलवाया इन किसान भाई से, इनकी सोच मुझे बहुत बढ़िया लगी। ठीक है जी, ये देख लो जी सोच, ये दूसरे की हिरस बिल्कुल ना करें। अगर आपके पास कम जमीन है, छोटे किसान हो आप, तो आप बैलों से गुजारा कर सकते हो भाइयों। ठीक है, अब ये मत बोलना कि बैल का पैर टूट जाएगा, ट्रैक्टर का नहीं टूटेगा। ठीक है, तो मर तो आदमी भी जाता है, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हाँ ये भी बात सही है, ट्रैक्टर का टायर भी फूट जाते हैं। तो किसान भाइयों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल की वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मिलता हूँ ऐसी किसानों संबंधित अगली नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।